Are you ready, baby? Yes! Let's go! नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है हिमानी और मेरा नाम है सागर एंड हम जा रहे हैं अपनी मोस्ट अवेटेड रोड ट्रिप के लिए अराउंड गुजरात। यस, हाउ एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। और ये रोड ट्रिप हम कर रहे हैं गैलप्स ऑटो हॉर्स के साथ, लेके जा रहे हैं BMW iX, द न्यू इलेक्ट्रिक बीस्ट ऑफ BMW iX। यस, हम लेकर जा रहे हैं ये बीस्ट और हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। सुबह के अभी बज रहे हैं 7 और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी एंड हम लेने वाले हैं ये वाला रूट जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो। yes, ये कोस्टल रूट, ये कोस्टल रूट हम लेने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू ड्राइव ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात, ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात, यहाँ से शुरू करके पूरी कोस्ट लाइन खत्म करके वापस जो आप देख रहे हो। सो लेट्स गो एंड सबसे पहले तो चलो बीस्ट को आपको दिखाते हैं। गाड़ी चार्ज पे लगा रहे हैं। मीनवाइल विल हैव लंच। यस, चलो गाड़ी चार्ज होने के लिए रेडी हो गई है। ये हमारे यहाँ पे दिखाओ, ये देखो आप, ये सब देखो यार, टेक्नोलॉजी देखो, आप टेक्नोलॉजी देख मिनट में गाड़ी चार्ज हो गई। हम लोग जब रुके थे तब हमारी गाड़ी 52% पे थी। ये हमको अच्छा 60 किलोवाट का डीसी चार्जर यहाँ पे मिल गया फास्ट। 20 मिनट में 100% हमारी गाड़ी हो गई चार्ज। अब हम एकदम बेफिक्री से मस्त पहुँचाएंगे। तो कैसा लग रहा है आपको BMW iX में? अरे एकदम बढ़िया लग रहा है यार। मतलब मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं हमेशा से जब भी अगर कोई लग्जरी कार की बात आती, मैं ऐसे बिल्कुल इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज वी आर कोलैबोरेटिंग विद देम, बट ये इसलिए भी क्योंकि मैं हमेशा से नर सागर की बात करूँ, मैं लेनी तो BMW ही लेंगे हम जब भी कोई लग्जरी कार लेंगे तो हम। तो ये ड्राइव करके ऐसी फीलिंग आ रही है ना, मतलब इतना बढ़िया लग रहा है। एक तो इलेक्ट्रिक कार है तो बिल्कुल भी इसमें कुछ मतलब हमारी एनवायरनमेंट के लिए इट्स द बेस्ट और पोल्यूशन नहीं करती, और आपको सारी चीज़ें पता है जो एनवायरनमेंट के बेनिफिट्स हैं इसके, और वो सारी चीज़ें तो है ही, बट चलाने में भी इतना मज़ा आ रहा है, एकदम स्मूथ, एकदम बढ़िया। हम दीव पहुंचने में हमको शायद 50 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर्स में हम दीव पहुंच जाएंगे, इसलिए मैं बैठ गई हूँ ड्राइविंग सीट पे कि मुझे था मैं दीव एंटर करना चाहती हूँ। बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल राइड, मतलब हमको पता भी नहीं चला कि हम दीव आ गए। इतना तो हमको ऐसा लग रहा है हम अहमदाबाद में इतना कार में घूमते हैं, इतना ही घूम लिए हैं, सिर्फ ऐसा लग रहा है। कितना फंसते हैं तो कितना एक्सर्शन हो जाता है आज, बिल्कुल भी सीरियसली, मतलब ड्राइवर सुपर स्मूथ एंड हमें रास्ते में भी ऐसे कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, थोड़े थोड़े रास्ते में कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, वो तो पूरे इंडिया में ही चल रहा है यार, जहाँ भी जाओ हर जगह आपको हाईवेज पे मिलेगा ही, और उसका थोड़ी सी खांसी हो गई है, कोई बात नहीं। ओके, वो सब बट हम इतने सही टाइम पे पहुंचे, इतना मस्त सनसेट
सनसेट हो रहा था, इतना सुंदर सनसेट, हमने वहाँ पे शॉट्स भी लिए कुछ, और अभी हम यहाँ पर आए हैं विच इज़ दीव फोर्ट है हमारे पीछे, अभी तो बंद हो गया, अंदर तो जा नहीं सकते हैं, बट या इट्स लुकिंग, हमें एक्साइटमेंट इतनी, हमें एनर्जी इतनी बची अहमदाबाद से यहाँ आने के बाद कि हम सोच रहे हैं कि जितना अभी और घूम सकते हैं तो घूम लें। गाइस वी मेड इट टू आवर रिसॉर्ट इन दीव एंड इट वाज अ वेरी स्मूथ एंड कंफर्टेबल राइड, एकदम आराम से आ गए, हमको बिल्कुल एक्सर्शन थकान नहीं लग रही बिल्कुल, एंड दीव पहुंच गए एंड स्टिल वी हैव 89 किलोमीटर्स ऑफ रेंज विद अस विद 24% ऑफ बैटरी, तो अब हम यहां पे इसको चार्ज करेंगे और यहाँ पे रात को स्टे करेंगे। आपको कैसा लगा? हाउ वॉज योर राइड? राइड वॉज सुपर्ब एंड आई एम हैप्पी, एंड बस अब होटल में चेक इन करना है एंड गाड़ी चार्ज पे लगा देनी है, रात भर में चार्ज हो जाएगी, सो या लेट्स गो।